हेलो गाइस, अब बज रहे हैं दोपहर के 2:12। तो मेरी जो ड्रीम कार थी जिसकी मैंने डिलीवरी दी थी वो आ चुकी है। बैक टू अनदर ब्लॉग। अब बज रहे हैं सुबह के 10:09। तो अब ऐसा है कि अभी मेरी आँख खुली और आँख खुलते ही फिर मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि आज मैं लेट इसलिए उठा था क्योंकि मेरी आज ऑनलाइन क्लास नहीं थी। तो आज मेरी कार की डिलीवरी है तो आज वो भी दिखाऊँगा। तो आज का ब्लॉग बिल्कुल ना भूलें। और अब ये लोग हंस रहे हैं कि मैं सुबह सुबह ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। चलो हेलो गाइस, आ चुका है। पहले हम नाश्ता करेंगे फिर आगे ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे। वाइपर के कंट्रोल्स। हेलो गाइस, मैं अब जा रहा हूँ। हेलो गाइस, तो अब मैं आ चुका हूँ ट्यूशन से। तो अब मैं जैसे आया तो घर में हो रही है गंदगी, पहले हम गंदगी से करेंगे, फिर अपनी कार की डिलीवरी होने वाली है इसलिए वो देखना जरूर। तो अब पहले सफाई कर लें उसके बाद बाकी का ब्लॉग करेंगे। तो हेलो गाइस, अब बज रहे हैं दोपहर के 1:15, मगर हमारे जो डिलीवरी जो गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है वो थोड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गई है गाड़ी। तो फिर मैं अभी थोड़ी देर में मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि कब तक आएगी। वैसे आने तो वाली है, उस पर मैसेज मेरे को कर दिया उन्होंने फ़ोन पे। तो फिर मैं अभी जैसी मेरी गाड़ी आएगी मैं तुरंत ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगा। तो जब तक मेरे साथ बने रहें और आगे का ब्लॉग जरूर देखें, क्योंकि ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत तगड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए। हेलो गाइस, अब बज रहे हैं दोपहर के 2:12। तो मेरी जो ड्रीम कार थी जिसकी मैंने डिलीवरी दी थी वो आ चुकी है। तो अब चलो चलें उसको चेक कर, मगर वो बाहर नहीं है, वो घर के अंदर ही है। वो मेरी ड्रीम कार है, वो बजट कार भी है। अब इतने बड़े घर में इतनी बड़ी ये ड्रीम कार आ सकती है, तो हमने अपनी वो ड्रीम कार मंगा ली है। मगर इस कार का एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप इस डब्बे को भी दबाओगे तो आवाज़ आ रही है, सुनो। ये हमारी ड्रीम कार का छोटा सा इंजन है और ये ड्रीम कार मैंने बहुत दिनों से मंगाने की सोच रहा था। अब देखो, कोई इंसान है जो हमारी ड्रीम कार लेकर आया है, वो इंसान ये है। तो भक्का करिए, कैमरा है, बंदूक थोड़ी। तो चलो ड्रीम कार की करें अनबॉक्सिंग, और जब तक ये वीडियो क्या, पहले तो हम अनबॉक्सिंग करेंगे उसके बाद वो वीडियो दिखाएंगे जो हमने एनिमेशन के तरीके से बनाई है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हाँ गाइस, तो अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, इस कार की अनबॉक्सिंग छुरी के साथ। अब सोच रहे होंगे कि कल से मैं आपको, मगर यही ड्रीम कार थी हमारी जो आ चुकी है। और ये देखो, शुरू होते होते ही कटते कटते ही वो आवाज करना शुरू कर दी। ऐसी इसमें पन्नी ना, इसका ना कोई ब्रांड वाला डब्बा, बस ये एक नॉर्मल से कार्डबोर्ड बॉक्स में आई है और ये है वो कार। इसमें बोलोगे आप इसमें ऐसी क्या चीज़ें, ये हमारी ड्रीम बजट कार है जो हमारे को खरीदनी थी। अब असली जब खरीदेंगे, जब हम ये फ्रंट डोर खुलते ही ये आवाज़ करती है, उसके बाद इसके इंजन पे अगर हम हाथ लगाते हैं ऐसे तो ये स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, इस गाड़ी की मैंने कुछ एनिमेशन भी बनाई है, वो आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा। तो पहले वो एनिमेशन देखो। वीडियो में अनबॉक्सिंग करना, तो ये मेरी ड्रीम कार थी, वैसे मुझे मंगानी थी तो मैंने इसे ब्लॉग में भी डाल दिया,
ये कार आपको यानी उसमें भी दिख जाएगी। इस गाड़ी की प्राइस है 800 रुपये की है ये गाड़ी, 800 रुपये की गाड़ी है। और इसमें मतलब बढ़िया है, एक मॉडल अगर आपको बनाना है कोई गाड़ी का तो आप इससे मस्त, और कोई चीज़ मिलेगी नहीं। ये ऊपर से पूरी है हार्ड प्लास्टिक है, अंदर से इसके अंदर कुछ बैटरी वगैरह है जिससे ये लाइट जलती है। और ये लाइट जब जलती है तो आपको ऐसा लगेगा रियल, गाड़ी की साउंड भी आएगी आवाज़ की, ये देखो गाड़ी की साउंड की आवाज़ भी आएगी। तो ये गाड़ी आपको अगर चाहिए तो आप जाएँ और सर्च मारें फ्लिपकार्ट पे बुगाटी, वो बुगाटी, और आप उस पर सर्च मारें बुगाटी टॉय कास्ट कार, तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी और उस पर से ऑर्डर करें और मंगा लें। तो वैसे मेरे तो आज ब्लॉग इसी चीज़ के ऊपर था कि मैं सोच रहा था आज जब मेरी गाड़ी आ रही है तो फिर मैं इस पर अनबॉक्सिंग दिखा दूँ। इसे तो हमने रख दी, अनबॉक्सिंग तो हमारी हो चुकी है, अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान है हमारे साथ जिसे आपको कितने लोगों को किस किस से डर लगता हो, किसी को किसी चीज़ से तो लगता ही होगा है ना, मगर ये इंसान जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से डरता है वो है केला। केले से कैसे डरते हैं ये आप खुद देख लीजिए। कुछ बोलना चाहोगी? ये देखो केला उठाया और इतना जल भगमत है, नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, रुक रुक बैठी रहे। जो ये तेरा राज क्या जो तू केले से डरती है, कुछ बतानी चाहेगी? आंखें को दुबकाली है, कुछ बताना चाहोगी? ये देखो ये एक केला इसे डरा सकता है, ये एक केला, ये एक केले से डर रही है। अरे कहाँ बैठ गई वहां, तो ऐसी दो केले वो रखे हैं। ये देखो गाइस इस केले से, एक केले से कोई डरता है? ये डरती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एक केले से कौन डर सकता है, जो केले से डरने लगा तो फिर तू आम से भी डरती होगी, संतरे से भी डरती होगी। कहाँ बैठ गई वहां, तो वैसे ही केले रखे हैं। अब रख दूं नीचे, तो केले से ऐसा कौन डरता है मुझे बताओ, ये कौन सा फोबिया है? एक्रोफोबिया तो वो होता है जिससे हम ऊंचाई से डरते हैं, मैंने और फोबिया के नाम सुने मगर ये कौन सा फोबिया है? ये केला दिखाया, दिखाया भी नहीं तब भी डर गई, केला उठाया तो कैसे भगेगी? तो गाइस इसका मतलब ये कोई नए तरह नस्ल का फोबिया है जो फलों से भी डरता है। कुछ कहना चाहोगे अपने इस फोबिया के बारे में है? नहीं कहना चाहेगी? मगर ऐसे कोई डरने लगा तो मुझे लगता है फलों की जान खतरे में नहीं पड़ेगी, ना ही फल खत्म होंगे, दुनिया पर फलों की आबादी बढ़ती चली जाएगी और ऐसे लोग डरते चले जाएंगे। तो इन लोगों को केला सेब सब खाना सिखाओ, तब जाके ही फलों की आबादी कंट्रोल में आएगी। तो आगे शुरू करते हैं, अम्मी का रिएक्शन देखते हैं कार पे कैसा रिएक्शन है, जो मैंने उन्हें बोल रखा था ड्रीम कार आएगी, तो देखते हैं। ये देखो ये है हमारी कार, ये हमारी बजट कार, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसी लग रही है कार? अच्छी लग रही है। ये तो बोल दो लाइक सब्सक्राइब, इतनी तो छोटी है पर इसमें बैठ के जा सकते हैं। और आज हमने इसे ब्लैकमेल करा, बड़ा तगड़ा वाला डराया, अभी इसके रोंगटे खड़े हो गए थे, उसके मैं वीडियो नहीं बना पाया मगर इसके पसीने निकल गया। कुछ बोलना चाहोगे? अब दोबारा ऑर्डर करेगा है? कैसा लग रहा है, है? तो असद का डर के मारे निकल चुका है, बस निकल चुका है, तो आगे अब लोगों को भी कंडू करें। तो गाइस आज वो कार मेरे को बताना कैसी लगी, मुझे तो बढ़िया लगी वो कार। अभी मैं और कार मंगाऊंगा, वो कलेक्शन बनाना, मुझे एक मॉडल बनाना है, वो मॉडल बनाने के लिए मैं एक और कार मंगाऊंगा। तो बस अभी जैसे जो लोग और आते हैं तो फिर मैं ब्लॉग और बनाना शुरू करूँगा, तब तो आने का इंतजार करता हूँ, उनके घर में है नहीं। हेलो गाइस वेलकम, तो अब बज रहे हैं शाम के 4, तो अब मैंने फिर ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैंने वो कार मंगाई, कार मंगा के देखी वेखी ऐसे चला के देखी, फिर उसके बाद मैंने उसके अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको दिखाई, फिर कुछ और, फिर अम्मी का रिएक्शन भी दिखाया, और अब अम्मी तो गई है बाजार, तो अभी मैं हूँ घर पे,
अभी सोच रहा हूँ कुछ बना के खाऊं। ये एलोवेरा क्या हुआ? ये एलोवेरा के ऊपर ये कुछ बर्फ जमी पड़ी है। ये देखो स्टैंड, ये है मेरा हाथ में स्टैंड जो अब मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ। सब ऊपर भागे पड़े हैं, कोई अभी है नहीं। तो अब मैं आगे ब्लॉग में आपको, अब कल हम जा रहे मूवी देखने, तो मूवी का तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। कल जो मूवी है वो तो बस मूवी है, सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, सेकंड इंडिया की ऐतिहासिक सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन चुकी है वो। तो बस आओ चलते हैं, अभी तो घर में कोई है। ये देख रहे हैं हम एक थर्ड आयन मूवी, उसका क्लाइमेक्स चल रहा है, तो उस क्लाइमेक्स के बाद वीडियो बनाता हूँ। अभी सब आ चुके हैं, ये कहाँ जा रहा है? गाइस हम ट्यूशन जा रहे हैं। खोसा खाऊंगा इधर तो आ। हाँ क्या कुछ करना चाहेगा? हाँ कुछ करना चाहेगा, क्या करूँ? कुछ तो कर। अच्छा तेरे पीछे डायन। तो अभी तो हमने तो डरा दिया है। तो गाइस मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, देखो ये है कम से कम जो चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है बहुत पुरानी है। ये चीज़ ये मैं लाया था मुंबई के एक टापू से, उसका नाम था एलिफेंटा, उस जगह से इसे मैंने खरीदा था, जो कि मेरे को आज तक तो कहीं दिखानी है, कहीं पे मिलता वो दिखानी है। मगर ये ऐसा है कि आधे घंटे में पूरा नीचे आ जाता है, फिर आधे घंटे में पूरा ऊपर आ जाता है। ये टाइमर ऐसे, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो तो यूँ रख दो, आप इसमें देख सकते हो आधा घंटा हो गया, फिर उसके बाद फिर इसे रख दो, पूरा एक आधे घंटे का ये एक टाइमर होता है। तो मैं आगे और दिखाऊंगा। आग बन गई। हेलो गाइस, तो अब बज रहे हैं शाम के 4:30। जब तक अम्मी नहीं है, जब तक मैं ही सफाई कर देता हूँ थोड़ी बहुत, वरना मैं बैठ नहीं पाऊंगा यहाँ पे जब तक सफाई करते। चाय की पत्ती, अपनी चाय की पत्ती लेकर आता हूँ, फिर चाय लेकर आ गया हूँ मैं। चाय की पत्ती लिया है, बाद में बताया काय को वीडियो नहीं बनाता क्योंकि यहाँ के लोग हैं तकने से, यहाँ के लोग सोचते हैं क्या कर रहा है, इसलिए मैं बाहर की वीडियो नहीं बनाता। कल की बाहर की होगी, कोई कल हम कहीं और जाके वीडियो शूट करेंगे, तो कल का ब्लॉग जरूर देखें। और अभी सब आ जाएँ, फिर से मैं ये बोलूँगा अभी सब आएंगे, फिर और पूरा ब्लॉग करूँगा, इसलिए अब तक उतने आ गई है बाजार से। तुम कौन से बाजार गई थी? हाँ? कौन से बाजार गई थी? कितने की लाई हो? और इनके बनियान दिया छा लिया है। क्या ये इनकी दादी की बनियान उठा लिया? पहन के दिखाइए कैसे पहनते हैं। इसमें तो बिल्कुल पता कैसे लग रही है? नहीं सूंड कहाँ है? देख कहा तो ये मास्क के नाम पे क्या है? इधर शकल दिखा ना, बर्तन उठा रहा सारे बर्तन दिए सानिया। अम्मी कितने का लाई हुई है? 70। ये चाइना का है? चाइना में बन सकती है ऐसी चीजें? आई नहीं पहनूंगी तो? नए ट्यूशन जाऊंगी तो कपड़े भी ले आइयो नए ट्यूशन के लिए। तो हेलो गाइस, अब बस चुके हैं 6:40, तो 6:40 तो हो चुके हैं। अब मैं आ गई, खाना पक रहा है, काम करे मैंने, अभी दूध की थैली लेकर आया,
फिर दादी के बल्ब लेकर आया, फिर वो बल्ब वापस कर कर आया, फिर दोबारा आया, बहुत सारे सामान लाया, परेशान हो गया। और बल्ब उन्हें फिर भी पसंद नहीं आया, बल्ब फिर दोबारा वापस कर कर आया, फिर उनका बल्ब उतारा लगाया, 10 मिनट तो वैसे चले गए, 10-15-20 मिनट। अब घर पे आया हूँ, मम्मी पता नहीं क्या बना रही हैं। ये देखो इसका चश्मा, ये क्या बनना है, क्या बनना है? राजमा चावल। अब भी बना दिया ले राजमा चावल। तो आज हमारे घर में बना राजमा चावल। ये देखो क्या क्या रखा है हमारे घर में, मकेन वकेन, आज बनाऊंगा मकेन में। 5 दिन वो फिर 6 दिन बाद आया क्रिसमस, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे, फिर उसके 5 दिन बाद आएगा एक और चीज़, फिर वो चीज़ सेलिब्रेट करेंगे। अब आगे ब्लॉग सही होते चले आएंगे और बढ़िया होते चले आएंगे, डेली ब्लॉग मिलेंगे, 1 महीने में 30 ब्लॉग डालूंगा मैं डेली। और क्या बोल रही हैं, इनका बल्ब लाया जब से इन्होंने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, मेरा बल्ब बना दिया। तो गाइस अभी तो मैं थक चुका हूँ, अभी काम था, तो कल का ब्लॉग जरूर देखना, आज मुझे कुछ काम करना है, इसलिए कल के ब्लॉग के लिए तैयार रहना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाओ, और हाँ कमेंट जरूर करना। बाय। और हाँ वो गाड़ी कैसी लगी? बाय।